विपक्ष के बाद अब अरुण जेटली पर अपनों ने उठाए सवाल। सुब्रमण्यम स्वामी ने जेटली पर कौन से आरोप लगाए हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर देश के करोड़ों रुपए लेकर फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या के दावों पर हंगामा लगातार जारी है। पूरे मामले में विपक्ष के साथ साथ अपनों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। एक ओर जहां वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने जेटली पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जेटली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक ट्वीट के जरिए जेटली पर तीखा हमला बोला। अपने ट्वीट में स्वामी ने लिखा, विजय माल्या के देश से भागने से जुड़े अब दो फैक्ट हमारे सामने हैं, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पहला, 24 अक्टूबर 2015 को माल्या के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को ब्लॉक से रिपोर्ट में शिफ्ट किया गया, जिसके मदद से विजय माल्या चमन लगेज आइटम लेकर भागने में फरार हुआ। दूसरा, विजय माल्या ने संसद के सेंट्रल हॉल में वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया था कि वह लंदन के लिए रवाना हो रहा है। इससे पहले पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सिन्हा ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है जो आरोप विजय माल्या ने लगाए हैं। जहाँ तक मुलाकात का सवाल है, बात का सवाल है, तो वो हो सकती है, चलते चलते भी हो सकती है, कमरे में बैठकर भी हो सकती है। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि जब इस मामले को लेकर सरकार पर आरोप लग रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि सरकार ने भगाया है। संसद में चर्चा हुई तो उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्यों नहीं बताया इस मुलाकात के बारे में? उस समय उन्हें बताना चाहिए था कि माल्या मिला था और उसने सेटलमेंट की बात कही थी। बकौल सिन्हा इस मामले में तथ्य छुपाए गए हैं और ये विशेषकर हनन का भी मामला बनता है। जाहिर है माल्या ने लंदन से जो मिसाइल दागा है, देश की राजनीति में उसकी गूंज फिलहाल काफी दिनों तक सुनाई देने वाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के हमले पर बीजेपी किस तरह पलटवार करती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।